गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए कई बुक्स में इस तरह का डायग्राम आपको मिल जाएगा, पर एक्चुअल मोटर को जब हम देखते हैं लैब्स में या कहीं, तो वो काफ़ी बड़े साइज की होती है या 1 HP 2 HP की मोटर होती है, तो हम कंस्ट्रक्शन को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते। तो मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारे कंस्ट्रक्शनल पार्ट एज कंपेयर, और कंपेयर करते जाएंगे हम उनको एक्चुअल मोटर से। और मेरा आप सभी को यही रिकमेंडेशन रहेगा कि ये काफ़ी सस्ती मोटर आती है डीसी मोटर, तो एक आप परचेस करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसका कंस्ट्रक्शन अपने हाथ में लेने के बाद जब हम समझेंगे तो वो हमें कभी भूलेगा नहीं और हमेशा याद रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब डीसी मशीन की बात कर रहे हैं तो मोटर या जनरेटर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही मशीन को, जैसा आपको दिख रहा है, मैं जब सप्लाई देता हूँ इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस, तो ये एज अ मोटर रन करती है, ठीक है। और अगर मैं इसमें तो ये केस तो हो गया आपका जब मैंने डीसी बैटरी से इसमें सप्लाई दी, तो ये एज अ मोटर वर्क करी। एज अ मोटर मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ इनपुट ले रही है और रोटेशन मिल रहे हैं, मतलब आपका मैकेनिकल मोमेंट या मैकेनिकल एनर्जी एज अ आउटपुट ले रहे हैं। दूसरा आपका मशीन का ही दूसरा कैटेगरी हो जाता है एज अ जनरेटर, जब आप मशीन को एज अ जनरेटर ऑपरेट कराते हैं। तो मैंने ये मल्टीमीटर ले लिया है, इन दोनों टर्मिनल्स को मैंने इस मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया है और डीसी वोल्ट पे इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको मैकेनिकल एनर्जी दे के देखता हूँ। ये मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो देखो आपको एक वोल्टेज डेवलप होके मिल रहा है, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो माइनस वोल्टेज मिलेगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्लक्चुएशन जो आ रहा है, ये मैं जब इसको एज अ मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये मशीन एक्टिंग एज अ जनरेटर है, तो ये डीसी जनरेटर है। तो डीसी मशीन के हमने दोनों मोड देख लिए, वर्किंग एज अ मोटर एंड वर्किंग एज अ जनरेटर। अब वापस से हम हमारे वीडियो पे आते हैं, जहां हमें कंस्ट्रक्शन फीचर्स देखने हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं डीसी मोटर के। तो ये बैटरी हटा देते हैं और इस मोटर को ओपन करके साथ साथ में देखते जाएंगे। तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में, कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा वो दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके वीडियो में एक्चुअल मशीन जो है उसका कंस्ट्रक्शन हम कंपेयर करते चलेंगे साथ साथ में। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो मशीन है उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जो कीवर्ड्स मैं यूज़ करूँगा लाइक आर्मेचर, फील्ड या स्टेटर, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि सारी मशीन में, वो चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक ही मशीन जो है हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं एज अ जनरेटर और एज अ मोटर। बात किसकी है, तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की है। एनर्जी का कन्वर्जन जो हो रहा है वो अगर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होगा, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हमें मालूम है क्या होता है, जनरेटर, जब हम प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और मोटर क्या हो गया हमारा, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट देते हैं और हमें मैकेनिकल एनर्जी एज अ आउटपुट चाहिए। तो सारे कंस्ट्रक्शन फीचर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे स्टेटर, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेटर वो पार्ट होगा किसी भी मशीन का जो स्टेशनरी रहेगा थ्रू आउट दी ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका रोटर, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि रोटर जो है वो रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, जो रोटेशन कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका एयर गैप, देन एयर गैप किसके बीच में, तो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होगा, ठीक है। शाफ्ट, जहां आप मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देंगे इन केस ऑफ जनरेटर और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट लेंगे इन केस ऑफ मोटर।
बियरिंग का यूज़ क्या होता है, अभी हम मोटर में एक्चुअल मोटर में भी देखेंगे कि बियरिंग क्यों लगा होता है और इसका क्या फीचर है। तो मोटा मोटी आपको पता होगा कि जब भी हम किसी रोटेशनरी पार्ट को या रोटेटिंग पार्ट को कनेक्ट करते हैं किससे, स्टेशनरी पार्ट से, तो वहाँ हम बॉल बेयरिंग या बेयरिंग का यूज़ करते हैं। और बचा वाला फिर योक एंड फाउंडेशन, ये आपको एक्चुअल मशीन में दिखेगा, जैसे ये फाउंडेशन है इसका, ठीक है। और अगर बड़ी मोटर होती है तो उसे होल्ड करने के लिए नीचे एक योक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स पे। ये तो सारे जनरल टर्म हो गए। इलेक्ट्रिकल टर्म में मशीन को हम दो मेन वाइंडिंग में डिवाइड करते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को ही एक्साइटिंग वाइंडिंग भी या एक्साइटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग का पर्पस क्या होता है, ये वर्किंग फ्लक्स प्रोवाइड करता है। इस वर्ड को ध्यान रखना कि ये वर्किंग फ्लक्स प्रोवाइड करता है, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है या जो ये करंट कैरी करता है, वो फील्ड करंट कैरी करता है, ठीक है। और इसकी पावर रेटिंग जो होती है अप्रॉक्सीमेट 0.5 से 2% होती है, जो मेन आपकी मशीन की रेटेड पावर होती है। जैसे आप अगर कोई मोटर खरीदने गए तो सपोज 1 HP की या 2 HP की मोटर खरीद रहे हो, तो ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग की बात हो रही है। फील्ड वाइंडिंग उसका 0.5 से 2% ही कैरी करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग पे। तो आर्मेचर वाइंडिंग को आप आसान शब्दों में ऐसा समझो कि किसी भी मशीन में जहाँ से हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे रहे हैं मतलब हमें आउटपुट मैकेनिकल चाहिए, तो इन केस ऑफ मोटर, तो सप्लाई जब हम इन करेंगे तो कहाँ से करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग से। और सप्लाई ले रहे हैं मतलब आर्मेचर वाइंडिंग क्या हुई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जहाँ से हम सप्लाई या तो देते हैं मशीन को या वहाँ से सप्लाई हम रिसीव करते हैं। जब सप्लाई दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो वर्किंग एज अ मोटर, ठीक है, मशीन का जो मोड है वो मोटर की तरह है। और जब सप्लाई हम वहाँ से रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा जनरेटर की तरह वर्क कर रही है। तो आर्मेचर वाइंडिंग मेन वाइंडिंग होगी जहां से पूरा एनर्जी का कन्वर्जन होगा। तो ये लोड करंट कैरी करती है। लोड करंट क्या होगा, जैसे अगर ये जनरेटर है और आप जो लोड लगा रहे हो उस पे, जैसे आपने एक डीसी जनरेटर ले लिया जो आपको 12 वोल्ट DC जनरेट करके दे रहा है, जैसे इसी मोटर की हम बात कर लेते हैं, तो अगर यहाँ मैं कोई प्राइम मूवर लगा दूं जिससे इसको मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशन दूं, तो मुझे यहाँ 12 वोल्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 12 वोल्ट की मोटर है, ठीक है। और इसके जो RPM है, रेटेड RPM, उससे उस पर मुझे इसको प्राइम मूवर को रोटेट कराना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे एक EMF जनरेट होके मिल रहा था, जैसे मैंने आपको मल्टीमीटर में बताया, तो उस EMF पे आप क्या करेंगे, आपने जनरेट कर लिया तो उसको यूटिलाइज करेंगे ना, तो जो भी लोड लगाएंगे वो ये हमारे आर्मेचर टर्मिनल से ही बाहर आएगा। तो ये लोड करंट कैरी करती है, और इसी को ऐसे मोटर समझ लो कि जब मैंने इसको रन किया तो शाफ्ट पे कोई भी लोड नहीं था, ये फ्री घूम रहा था। बट क्या है, अगर इसको मैं एज अ फैन यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ब्लेड्स, तो वो एयर के फ्लो को डेवलप करेगा। तो ये जब रोटेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इस पे एक बर्डन पड़ेगा, मैकेनिकल बर्डन, तो वो लोड कहलाएगा। लाइक अगर ये EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये मोटर लगी हुई है, तो इसको लोडिंग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप सिंगल बैठ के चल रहे हैं, तो आपका अकेले का वेट कैरी कर रही है ये शाफ्ट, तो लोडिंग क्या होगी, 50%। और वहीं अगर आपने एक और पर्सन को बैठा लिया, क्योंकि 2 व्हीलर्स में क्या होता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, तो दूसरे पर्सन को भी बैठा लिया, तो ये और लोड बढ़ जाएगा। मतलब इस शाफ्ट पे आप जितना लोड डालते जाएंगे वो क्या कहलाएगी, लोड करेंट। तो हमें ध्यान रखना है कि आर्मेचर टर्मिनल जो होंगे वो कैरी करेंगे लोड करंट को, और वहीं से पूरा आपका एनर्जी का कन्वर्जन होगा। अब बात करते हैं, लोड करंट हो गया हमारा, फील्ड करंट की बात करते हैं। तो जो फील्ड करंट है, मैंने आपको बताया कि एक्साइटिंग करंट है या मैग्नेटाइजिंग करंट है, जो सिर्फ वर्किंग फ्लक्स को बनाने के लिए काम आती है, और ये मात्र 2%, 0.5 से 2% रेटेड मशीन की जो है उतनी ही पावर को कैरी करती है। अब हम कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखते हैं। तो ये एक्चुअल मोटर है आपके सामने, और ये जो बुक में आपको डायग्राम मिलता है वो है। तो स्टेशनरी पार्ट, फिर कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होते हैं, मेन फील्ड कहाँ होती है, एयर गैप कहाँ होता है, वो सब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो इस बुक वाले डायग्राम को समझना है तो ये समझिए पहले कि ये वाला पार्ट जो रोटेट हो रहा है, ये आपका रोटर है।
ठीक है, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब वन बाय वन समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो इस मोटर को हम ओपन करके देख लेते हैं। मैं इस मोटर को आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। तो ये हमारा रोटेटिंग पार्ट निकल के बाहर आ गया है। ठीक है, ये है शाफ्ट आपकी जो पीछे की तरफ इस बेयरिंग में कनेक्टेड थी। तो किसी भी मशीन में एक बेयरिंग आपको फ्रंट साइड मिलेगी और एक बेयरिंग आपको बैक साइड और एक फ्रंट साइड मिलेगी। देखो यहाँ पे अगर इसको हम रोटेट करें तो यहाँ ये रोटेटिंग पार्ट को स्टेशनरी पार्ट से कपल करता है। तो ये हो गया बेयरिंग का फंक्शन। अब हम देख लेते हैं स्टेटर। तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी पार्ट। तो ये क्योंकि डीसी मोटर है और परमानेंट मैग्नेट टाइप की है। क्यों? क्योंकि ये इसमें ध्यान से देखिए आप, मैग्नेट लगे हुए हैं। तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है? फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो फील्ड वाइंडिंग, एक चीज अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है डीसी मशीन के केस में वो स्टेटर पे होती है, क्योंकि हम नेक्स्ट जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो स्टेटर पे हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है। मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है आपको कि स्टेटर जो है उस वो फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? मेन फील्ड फ्लक्स को कैरी करना या मेन फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे दो पोल दिख रहा है हमें, एक एन और एक एस। ये आपका एक एन है, एक एस है, ये परमानेंट मैग्नेट टाइप है। तो ये क्या कर रहा है? एयर गैप में एक फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा है जो एन पोल से एस पोल की तरफ जा रही है। फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये रोटर है। ठीक है, अब इस रोटर को ध्यान से देखेंगे जब हम, तो देखेंगे कि इसमें क्या है, स्लॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये मोटर हमने अभी चला के भी देखी थी, तो ये वर्किंग कंडीशन में है। और ये जो स्लॉट्स हैं, ये हो गया आपका रोटर, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसमें कंडक्टर में, मतलब स्लॉट्स में कंडक्टर प्लेस है। इस वाले पार्ट को हम पोल फेस कहते हैं। ठीक है, ये आपके पोल के फेस हो गए। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो कंडक्टर इसमें प्लेस है वो कनेक्टेड है किससे? कम्यूटेटर सेगमेंट से। तो ये जो रोटेट होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। ये वाला पार्ट स्टेशनरी रहेगा। ध्यान देना देने वाली बात ये कि ये जो रिंग है ये स्टेशनरी और ये इस तरह से रोटेट होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कम्यूटेटर रिंग है और ये है आपके कार्बन ब्रशेस। तो ये जो कार्बन ब्रशेस है वो कम्यूटेटर रिंग पे मूव हो रहे हैं। ब्रशेस स्टेशनरी है और ये कम्यूटेटर सेगमेंट से हमारी करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्मेचर टर्मिनल। अगर सपोज ये परमानेंट मैग्नेट टाइप की मोटर नहीं होती तो यहाँ पे भी आपकी वाइंडिंग होती जो ये एन और एस पोल डेवलप करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होती तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाउंड टाइप ऑफ डीसी मशीन। क्योंकि ये छोटी कम वोल्टेज की मशीन है इसलिए यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज किया हुआ है। इस परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक और वाइंडिंग होगी जिसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और वो फील्ड वाइंडिंग क्या करेगी, फील्ड करंट को कैरी करेगी। तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन और वाउंड टाइप की डीसी मशीन। ठीक है, अब क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ कंस्ट्रक्शनल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये नहीं इस पे बात नहीं करेंगे कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट क्यों लगे हुए हैं यहाँ। बेसिकली कम्यूटेटर सेगमेंट का काम होता है एसी को डीसी करना या डीसी को एसी करना। ये बहुत मजेदार बात है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है डीसी मशीन की वो कैरी करती है अल्टरनेटिंग करंट को। और क्योंकि ये डीसी मोटर और हम यहाँ पे डीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर ये मोटर जनरेटर की तरह वर्क करेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीसी सप्लाई एज आउटपुट लेंगे। तो कम्यूटेटर क्या हो गया आपका, बेसिकली
मैकेनिकल रेक्टिफायर हो गया जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जब यहाँ जनरेट होगी, तो इस वाइंडिंग में मैंने बताया कि ये कैरी करती है अल्टरनेटिंग नेचर की करंट को। तो अगर हम डेवलप कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ एसी जनरेट होगा, तो कम्यूटेटर का क्या काम हो जाएगा, वो उसको रेक्टिफाई करके यहाँ आपको डीसी प्रोवाइड करे इन आर्मेचर टर्मिनल्स के अक्रॉस। और जब हम इसको एज अ मोटर रन कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं इन आर्मेचर टर्मिनल से। तो इन वाइंडिंग्स में क्या होगा, हमें एसी सप्लाई मिलेगी। और ये क्यों करते हैं हम, वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहाँ एसी की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्यों नहीं हम इसको स्लिप रिंग से डायरेक्ट एसी ही दे देते हैं। ये कई इंटरव्यू में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि विच काइंड ऑफ करंट कैरी बाय दी आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन। तो ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन पूरा समझ में आया होगा इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन।